लिव योर लाइफ के हेल्थ बीट सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ. डॉक्टर दिलनशीन खान आपके सामने और हेल्थ के सेगमेंट में जैसे कि हमेशा से मैं कोई ना कोई टॉपिक आपके सामने लेकर आती हूँ और आज का टॉपिक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्लीपलेसनेस यानी इंसोम्निया को डिस्कस किया था. आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया क्या है? एनोरेक्सिया है कि भूख नहीं लगती, ईटिंग हैबिट्स जो हैं आपकी वो ख़राब हो रही होती हैं. तो छोटा सा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज. आपको बताएंगे कि एनोरेक्सिया क्या है. मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त डॉक्टर अदनान भी मौजूद हैं. वेलकम डॉक्टर अदनान टू माई शो. जी थैंक यू दिनेश जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. खतरनाक टॉपिक आप डिस्कस कर रही हैं, नींद ना आना, भूख ना लगना. मुझे नींद ना आए हो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया. लेकिन यहाँ दिल नहीं खोया, यहाँ नींद खो गई है. यहाँ भूख और नींद खो गई है और भूख खो गई है. जी बिल्कुल. एनोरेक्सिया नर्वोजा, बिल्कुल आपने दिलनशी जिक्र किया. तो डॉक्टर दिलनशी ने आपको बताया कि भूख ना लगना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. वैसे एक बात है कि हमारे यहाँ जो यूथ में जब भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, तो क्या फिर ये किसकी अलामत है? बीइंग अ डॉक्टर अगर आप ना सोचें, जब नींद उड़ जाती है, भूख नहीं लगती, तो क्या होता है? ये खतरनाक अलामत है. लेकिन बहरहाल ये हम नहीं, आपने बताया नहीं है. खतरनाक अलामत है, लेकिन ये है कि बहरहाल मैं चाहता हूँ कि ये खतरनाक अलामत जो है वो ई आवाज के देखने वालों का ना हो. लेकिन अगर हो भी गई है तो आप ये जानना चाहेंगे कि ये सबसे पहली दफा कब हुई थी. ये पहली दफा ये अलामत जो है वो 1873 में हुई थी. तो आप यकीनन हंसे बगैर नहीं रह सकेंगे कि यहाँ पर मैं तारीख को लेके आ गया. लेकिन 1873 में ये अलामत नहीं हुई थी, बल्कि इन अलामत को पहली दफा डायग्नोज किया गया था. विलियम गुल जो है एक फिजिशियन थे, विलियम गुल ने इनको पहली दफा 1873 पे मंजर आम पे लाए थे इस चीज़. अच्छा, एनोरेक्सिया को पहली दफा मंजर आम पे लाए थे कि ये कोई चीज होती है. बहरहाल आपको देखते हैं, बता चलूँगा आपको कि एनोरेक्सिया नर्वोजा जो है ये अब 1873 पे पहली दफा मंजर आम पे लेके आए थे. तो ये वो मर्ज है कह सकती हैं. ऐसा ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक कंडीशन का काम, एक नाम है जहाँ पर जो पेशेंट है वो खाने से कतराता है, खाने से दूर दौड़ता है, वो खाना नहीं खाना चाहता. बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज, एनोरेक्सिया कैन बी डिफाइंड एज एक्सट्रीमली लो बॉडी वेट, जो कि आपके स्टेचर से उसको प्रोपोर्शन किया जाता है, कि मतलब बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, कि आपका वेट एंड हाइट, इसके अकॉर्डिंगली जो है हम BMI निकालते हैं. और उससे जब हम देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका वेट बहुत ही नीचे जा रहा है, अंडर वेट है आप, ईटिंग डिसऑर्डर है. Basically characterized by the fear of eating, fear of eating and fear of gaining weight. तो ये ज़्यादातर जो है इसके जो stats मिलते हैं हमें माशरे में, ये कहाँ मिलते हैं ये भी आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे. बैले डांसर्स, models, yes. या जो TV पे प्रेजेंट करते हैं. लेकिन मुझे हरगिज एनोरेक्सिया नर्वोजा नहीं है, ना ही डॉक्टर दिलनशी हुए हैं, वैसे मुझे उनका मालूम नहीं है. तो TV पे जो आना चाहते हैं, जो पब्लिक फिगर्स होती हैं, TV पे आना होता है, मंजर आम पे आना होता है, वो चाहते हैं कि उनका वेट ना बढ़े. तो अमूमन जब इनके बॉडी साइंस होती हैं, नकल्स वगैरह के निशान होते हैं, हाथों में निशान होते हैं, तो ये अमूमन फोर्स्ड वॉमिटिंग करने की कोशिश करती हैं. उसको फोर्स्ड एमिसिस कहा जाता है. आजकल यंग जनरेशन में ये बड़ा कॉमन है कि अगर आपने खाना भी खाना है, सोशली जिंदा रहने के लिए लोगों के साथ होटलिंग भी करनी है, लेकिन ये भी खौफ है कि आपको वेट ना बढ़ जाए, तो फिर फोर्स्ड वॉमिटिंग करते हैं उसके बाद, ताकि जो है वो जो खाना जो है वो लगे ना. आसान अल्फाज में बताते चलूँ कि खाना जो है आपको लगने से कासर रहे, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है. होता क्या है कि इनडायरेक्टली उसके बाद आप ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के मसाइल, ज़्यादातर चूँकि ये खवातीन में होता है, तो खवातीन में मेंस्ट्रुअल साइकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने का खतरा होता है. इसके अलावा वो लेट जो मीनोपॉज जो है और उससे रिलेटेड मसाइल और मेनार्की से रिलेटेड मसाइल जो हैं, जिसमें जो इनके मेंसेस के जो मसाइल होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सीवियरली डिस्टर्ब होते हैं. इसके अलावा आपका जो लिवर है वो भी इससे मुतासर होता है. लेकिन अगर आप, मैं ओवरऑल आपको एक और पिक्चर दूँ इसको एनोरेक्सिया नर्वोजा की, तो डॉक्टर दिलनशी इससे एग्री करेंगी कि बड़ा एक दिलचस्प फैक्ट है जो अभी तक अनक्लियर है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है.
انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جس میں ایشیا کے کنٹریز ہیں ان میں یہ کامن نہیں ہے. یو مین ڈیولپڈ کنٹریز میں کامن ہے؟ ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ بہت زیادہ کامن ہے. اور جو اس کی اگر ریشو اٹھاؤں میں, اگر کمپیئر کروں تھوڑا پچھلے برسوں سے, تو جو ریسنٹ اسٹیٹس اس کے آخری دفعہ آئے وہ 2013 میں لیے گئے, اور 2013 میں جو لیے گئے اس سے 600 اموات جو ہیں اب تک ہو چکی ہیں 2013 سے اب تک. سویئر ڈی ہائیڈریشن اور انڈر نیوٹریشن رہنے کی وجہ سے 2013 کے اسٹیٹس کے بعد. اور اگر میں کمپیئر کروں پاسٹ اسٹیٹس سے جو آخری دفعہ جب منظر عام پہ آئے اور تو 1990 وہ سال تھا, 1990 میں جب اسٹیٹس چنے گئے تو اس وقت 400 لوگ جو ہیں اس مرض سے جو ہے اس کی کمپلیکیشن سے جو اموات ہوئیں وہ 400 لوگ تھے. اور 1990 کے بعد جب امپروو ہو کے 2013 میں, بڑا افسوسناک ہے یہ کہ وہ جو ہے وہ 600 ہو گیا. اور ڈاکٹر دلنشی نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی, میں آپ کو واضح کر دوں, بی ایم آئی بتایا تھا. بی ایم آئی شاید آپ میں سے بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں, لیکن آج کل اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں فونز, کسی قسم کا جو فون ہے, ان تمام کے اندر ایپس آئی ہوئی ہیں بی ایم آئی دیکھنے کی. بی ایم آئی مطلب کہ باڈی ماس انڈیکس, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ حجم کے لحاظ سے آپ کی کتنا ہونا چاہیے ویٹ آپ کا ہائٹ کے حساب سے, اور آپ کا جو ڈیلی کیلریز انٹیک, آپ کا جو ایپ بتاتی ہے اس کو ہم بی ایم آئی کہتے ہیں, باڈی ماس انڈیکس. اور اگر آپ پھر بھی نہیں جانتے تو آپ اپنے فیملی فزیشن یا ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. تو بی ایم آئی کا اس اینوریکسیا نروزا سے چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ ساتھ کس طرح ہے کہ ڈاکٹرز کی تحقیق کے مطابق بی ایم آئی جو ہے اگر 17 یا اس سے اوپر ہے تو مینز یو آر گڈ, یو آر گڈ ٹو گو, لیکن مائلڈ اثرات ہیں اگر بی ایم آئی 17 ہے. اور اگر آپ بی ایم آئی 16 یا 16.99 ہے تو دس از کالڈ ٹو بی دا مائلڈ اینوریکسیا نروزا. اور اگر آپ 15 اور 16 کے بیچ میں ہیں تو یہ ماڈریٹ ہے, اور اگر آپ 15 سے نیچے ہیں تو یقیناً آپ خطرے میں ہیں, یہ سویئر علامات ہیں. اور اگر آپ 14 سے نیچے ہیں تو دیٹ کوڈ ہیو بین دا لائف تھریٹننگ سچویشن فار یو. بالکل, یہ تھوڑی سی ہم نے بتایا کہ اینوریکسیا کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں, کس طرح محسوس کر سکتے ہیں, کس طرح پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ اینوریکسیا کیا چیز ہے. تھوڑی سی آپ سے سائن اینڈ سمپٹمس کی بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر دان, ایک تو سائن اینڈ سمپٹمس تو اگر ہم اینوریکسیا کے دیکھیں تو اس میں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو آبسیشن ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک پیشنٹ ہے اس کو فیئر آف گیننگ ویٹ, فیئر آف گیٹنگ ویٹ, اس کو آبسیشن ہوتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں کھانا, اور مجھے اگر میں نے کھایا تو میں موٹا ہو جاؤں گا یا موٹی ہو جاؤں گی. تو ایک تو یہ ہو گیا, بہت واضح سائن اینڈ سمپٹم ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, اس میں بھی ہوتا ہے, یہ بھی چیز آ جاتی ہے. اور ایون جو اینوریکسیا نروزا سے جو ڈیولپ ہوتا ہے ڈپریشن, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو ایون وہ والا مریض جو ہے وہ سوسائیڈل رسک تک جا سکتا ہے, وہ تو بہت ہی بھیانک سچویشن ہو سکتی ہے اس کی. تو اس کا کھانے, اس کا گہرا تعلق ہے اس کا سائیکولوجیکل فیکٹر سے, کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ ایسٹ نہیں ہوتی. سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہیں آپ کو سائیکولوجیکلی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, فیملی تھراپی ہوتی ہے اس کے اندر, کوگنیشن بیہیویئر تھراپی اس میں بڑی ایک کامن ہے سائیکیٹری کے اندر. بیسیکلی ایم ایس وی فائیو کے کرائٹیریا میں آتا ہے جب یہ سائیکیٹری کے, تو اس کے اندر کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی جو ہے وہ کی جاتی ہے, فیملی تھراپی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ کو ری فٹ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ایسا سب کچھ نہیں ہے. اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے میں شیئر کرنا بھول گیا جو آپ بڑا انجوائے کریں گے, کہ دیکھا گیا ہے, کوئی کلیئر کاز نہیں ہے اس کا, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آئیڈینٹیکل ٹوینز میں یہ 97% مور کامن ہے دین دا نان آئیڈینٹیکل ٹوینز. آئیڈینٹیکل ٹوینز میں اس کا جو زیادہ تناسب ہے وہ 97% یا اس سے زیادہ ہے. یہ انکلیئر ہے, ڈیولپڈ کنٹریز آئیڈینٹیکل ٹوینز, بہرحال اٹ آل ڈیپینڈز. اور اس کے علاوہ جو کمپلیکیشن ہے, بڑی ایک امپورٹنٹ بات بتانا بھول گئے فیمیلس کے حوالے سے, کیونکہ فیمیلس میں یہ کامن ہوتا ہے تو انفرٹیلٹی
one of the leading cause jo anorexia ye to se, ye to aapne complication batayi na lekin ye ki iske agar female ke hawale se hum sign and symptoms ki baat karte hain to sign and symptoms pe aa jate hain amenorrhea jaise Dr. Adnan ne pehle bataya ki amenorrhea jo hai wo ek sign hai agar aap patient aapke paas aata hai agar aap wo kehta hai ki mujhe obsession hai gaining weight mere mujhe amenorrhea bhi ho gaya hai matlab unka menstrual cycle jo hai wo disturb ho chuka hai amenorrhea hota hai ki jisme bilkul menses aa hi nahi rahe hote to ye cheez ho jati hai थिनिंग ऑफ हेयर हो जाता है कि बाल बहुत पतले हो गए हैं और अंडर वेट तो चल ही रहा होता है कि आपका वेट लॉस तेज़ी से हो रहा होता है इसके अलावा उन्हें सोशल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं कि वो सोशल गैदरिंग में जाना नहीं चाह रहे होते वो इस तरह का पेशेंट सोशल फोबिक हो जाता है वो इंसान और डिप्रेशन में चला जाता है फटीग हो जाती है लेथार्जिक हो जाता है इंसान साइको एवेल्युएशन जो है वो चाहिए ही चाहिए होती है तो जो तनासब है इसका ये भी देखा गया डॉक्टर दलनिशी कि ये औरतों में ज्यादा है औरतों में 10 times it is more औरतें बेचारी ज़्यादा sensitive होती हैं ना क्या किया जाए बस क्या करें जी बेचारी होती हैं 10 times it is more common than females if you compare with the male counterpart अगर आप overall दुनिया में देखें तो 2013 के बाद से 0.9% of the population जो है वो सिर्फ मर्दों की रही है जबकि इससे जो ऊपर है वो तमाम जो population है वो औरतों की रही है जो इसका शिकार रही है anorexia nervosa का एक और आपको स्टैट देता चलूं यहाँ पर कि जब मैं बात करूँगा मर्दों और औरतों के तनासब के हवाले से तो मर्दों में इसका तनासब एज लो एज 0.2 to 0.4% जो आखिरी इसकी तहकीक हुई 2013 में 0.4% से ऊपर मर्द इसका शिकार नहीं है लेकिन औरतों की जो बेस वैल्यू है वो शुरू ही 0.4 से होती है और हत्ता के बढ़ते बढ़ते वो पॉइंट्स में नहीं बल्कि 4.3% तक जाती है इससे आप अंदाज़ा करें कि औरतें इन मसाइल का शिकार जो है कितनी ज़्यादा होती है अच्छा लेकिन एक मुझे आपसे बात पूछनी थी कि एक होता है एनोरेक्सिया एक होता है वेट डाइटिंग कुछ कॉन्सेप्ट हमारे बड़े अजीब हैं कि एनोरेक्सिया वर्सेज डाइटिंग तो एनोरेक्सिया वर्सेज डाइटिंग में ये कर सकते हैं कि जहाँ तक मुझे समझ आती है आई डोंट नो कि आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ तक मुझे समझ आती है कि एनोरेक्सिया में डाइटिंग में होता है कि इंसान जो है डाइट कर रहा है कि मुझे वेट कंट्रोल करना है अपना वेट कंट्रोल करना है या वेट कम करना है लेकिन एनोरेक्सिया में क्या होता है कि आप अपना वेट आपको फोबिया होता है कि मुझे वेट कंट्रोल करना है या वेट कम करना है या ऑलरेडी अगर आप का वेट वज़न ठीक भी है तो आप फिर भी नहीं खा रहे होते हो ये इस डर से कि मैं जो है वेट गेन ना कर लूँ नहीं मैं समझता हूँ कि बड़ा मेजर फर्क है कि जब आप डाइटिंग करते हैं तो डाइटिंग में आपको ये खतरा नहीं होता कि डाइटिंग करने से आप खुदा ना खास्ता मर भी सकते हैं या कोई मर्ज लाहक हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोजा में तो आप अपनी कैलोरीज का परवाह ही नहीं करते जब आप डाइटिंग करते हैं तो आपका साइकोलॉजिकली वो साइकोलॉजिकली इतना उसमें होते हैं कि मुझे नहीं खाना मेरा ख्याल है कि वो उनमें साइकोलॉजिकल बिहेवियर आते हैं स्ट्रेस फैक्टर होता है उनमें या कुछ लोग अपनी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस के लिए भी कि मैंने नहीं खाना मुझे जो है इससे खुशी मिलती है मैंने एक पेशेंट ऐसा भी देखा है कि मैं अगर मुझे नहीं खाना तो मुझे इससे खुशी मिलती है आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि ये क्या इसका था एनोरेक्सिया नर्वोजा की कौन सी स्टेज थी दैट्स व्हाई वो तो, कहती हैं जो मैंने जिक्र किया शुरू में कि साइकियाट्रिक एवेल्युएशन के लिए और जो ये 5 कैटेगरी में आते हैं एमएसवी 5 कैटेगरी में साइकियाट्री की तो उसी के लिए ये पेशेंट्स के लिए बनाया गया है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या मेंडेलियन फैमिली थेरेपी जो दोनों लॉज हैं ये इन्हीं पेशेंट्स के लिए बनाए गए हैं मेंडेलियन लॉ भी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी तो इससे 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको फ़ायदा होता है लेकिन फिर भी उसमें होता यह है कि फैमिली थेरेपी इज मस्ट जब पेशेंट आता है तो उसको अकेले नहीं बुलाया जाता है क्योंकि इसकी फैमिली काउंसलिंग बड़ी जरूरी है अगर आप पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे तो वो इतनी देर पर ही होगी दूसरे साइकियाट्री के मसाइल से जुड़ा ये मसाइल के अंदर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेक है कि जब मरीज डॉक्टर के पास आता है अपॉइंटमेंट लेता है तो उसका जो करीबी फैमिली मेंबर है वो भी इस मीटिंग में बराबर का शरीक होता है तो बहरहाल दिलनिशी ने बात की डाइटिंग की तो डाइटिंग में दोबारा मैं आखिरी बार आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि जब आप डाइटिंग करती हैं तो कैलोरी इनटेक की एक एक चीज़ क्लियर होती है कि आपने कितनी कैलोरीज जो है 24 आवर्स में लेनी है और किस शक्ल में लेनी है
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बर्गर कट करना है, अगर आपने एक जिंगर बर्गर जो कहते हैं, एक एवरेज बिग मैक या जिंगर जो है जिसके अंदर 460 किलो कैलरीज होती हैं अलॉन्ग विद अ 110 ऑफ मशरूब जो है, तो उसमें 160-170, तो ओवरऑल जो पैकेज आप 550 किलो कैलरीज के लेते हैं, आपने ये एडजस्ट करनी होती है डाइटरी इनटेक में, डाइटिंग के अंदर, कि आपने इसको रिड्यूस करके आपने बॉयल चिकन या स्टीम चिकन या फिश या एग वाइट के साथ कितनी कैलरीज लेनी है। लेकिन उसमें आप हरगिज आप अंडर न्यूट्रिशन नहीं रहते, आप जब एनोरेक्सिया नर्वोजा का शिकार होती हैं तो आप अंडर न्यूट्रिशन रहती हैं, ये एक बड़ा क्लियर फ़र्क है इसके अंदर पता चला। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा हमारे नाज़रीन को बताया। और मैं एक बात बताते चलूँ कि जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि एनोरेक्सिया को हम कैसे ट्रीट किया जाए, तो उसमें तीन चीज़ें जो हैं आपको जहन नशीन करनी चाहिए। एक तो आपका मेडिकल डॉक्टर आपके साथ होना चाहिए, दूसरा एक थेरेपिस्ट आपके साथ होना चाहिए, तीसरा डाइटिशियन जो है वो साथ होना चाहिए। ये जब तक तीन लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक जो है एनोरेक्सिया का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि डाइटिंग अगर कर रहे हो तो सिर्फ आपको डाइटिशियन की ज़रूरत होती है, वो आपका डाइट चार्ट जो है वो प्रिपेयर करता है, लेकिन जब एनोरेक्सिया का पेशेंट आपके पास आता है यू मस्ट कंसल्ट योर फैमिली फिजिशियन, योर थेरेपिस्ट, योर डाइटिशियन, ये तीन लोग जो हैं वो ज़रूर आपके पास होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको खौफज़दा नहीं करना चाहता। जो इस का शिकार होते हैं वो ये नहीं कि उसका ये एंड स्टेज है, ये हम उसके वर्स्ट असरात जो हैं वो बताते होते हैं अमूमन अपने प्रोग्राम में। 5% देखा गया है कि ओवरऑल जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो एनोरेक्सिया नर्वोजा से, उसमें 5% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि फेटल बीमारियों का या मौत का शिकार होती है। जो एवरेज 10 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 5% लोगों में जो है वो जाते हैं एक्सट्रीम की तरफ, बाकी 95% अमूमन जो है इसमें रिकवर कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन से पढ़ने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है और वो है लैब्स इन्वेस्टिगेशन, जो बड़ी कॉमन है दूसरी बीमारियों की तरह। ऑब्वियसली आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट और यूरिन एनालिसिस तो करते ही करते हैं, उसमें आपने देखने होते हैं रेड सेल काउंट और वाइट सेल काउंट के कुव्वत मुदाफ़त कितनी रह गई है, इतना अंडर न्यूट्रिशन या बिलो पार रहने की वजह से आपकी वाइट सेल्स की जो लड़ाई है बैक्टीरिया के खिलाफ उसमें कितना दम खम है, ये भी देखता होता है। और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है बन जिसको हम कहते हैं मेडिकल की ज़बान में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा चूंकि भूखा रहने से और प्रोलॉन्ग डाइटिंग से लिवर पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट LFTs इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरे सीरम कोलिनेस्ट्रेज देखा जाता है, इसके अलावा नाइट्रोजन की मकदार देखी जाती है, और आप में इसके अलावा इसके बारे में बात मजीद करेंगे डॉक्टर अदनान। हम छोटी सी एक, मैं अपने नाजरीन को छोटी सी एक वीडियो क्लिप उनके लिए लाई हूँ, और मैं समझती हूँ कि लास्ट टाइम से भी लास्ट टाइम हमने डिप्रेशन को डिस्कस किया था, तो थोड़ा शेयर करती जाऊँ कि कौन सी ऐसी गज़ा है, कौन से ऐसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं जो कि आप एंटी डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक डिप्रेशन को खत्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो डिप्रेशन भी खत्म करेगा, आपका वेट लॉस भी करेगा। ये जबरदस्त किस्म की वीडियो क्लिप देखिए, आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टे ट्यून्ड टू ईवास। द 10 बेस्ट एंटी एंजाइटी फूड्स दैट हेल्प यू लूज वेट। आर यू वन ऑफ दोस पीपल हु थिंक दे कुड लूज वेट मोर इजीली इफ दे कुड ओनली ओवरकम देयर एंजाइटी? एज यू मे नो, what you eat determines if you are going to lose weight effortlessly or if dieting will always remain a constant source of suffering. Adding the following 10 foods to your meals will help you reduce and control effectively the anxiety you experience. Okay, let's begin. Number 1, asparagus. Anxiety has been linked to low levels of folic acid. If there is a vegetable that can boost your mood, it's asparagus. Number 2, avocados. Avocados contain high levels of B group vitamins, which are essential for keeping the nervous system healthy as well as brain cells. Feelings of anxiety may be also rooted in a deficiency of vitamins from the B complex group. Number 3, blueberries. Blueberries may seem small, but just a handful of these little ones can provide a powerful source of antioxidants and vitamin C. When we are under stress or feeling highly anxious, our bodies crave both vitamin C and antioxidants to help repair and protect the cells. 4. Milk. A glass of warm milk before going to bed is a proven remedy against insomnia and feelings of restlessness.
The reason behind its effectiveness is that milk is high in vitamins B2 and B12, as well as protein and calcium. Number 5, almonds. Almonds are also a good help to reduce stress because they are rich in vitamins B2 and E. When you're feeling especially anxious, these two nutrients help fortify the immune system. Consuming just 1/4 cup of almonds will do the trick. Number 6, oranges. There's an important reason why orange juice is included in what's known as the breakfast of champions. Vitamin C is well known for reducing both blood pressure as well as cortisol levels, one of the stress hormones responsible for your anxiety. Drink a freshly squeezed glass of orange juice for an ultra-fast boost of vitamin C in your body. Number 7, salmon. Adding more fish-based meals to your eating habits can make you feel better. A diet that is high in omega-3 fatty acids help keep cortisol levels low. Number 8, spinach. Follow Popeye's example and eat lots of spinach. Spinach is packed with magnesium, a mineral that goes a long way in helping regulate cortisol levels and promoting feelings of well-being. Number 9, turkey. You know that drowsy feeling after having a Thanksgiving dinner? The tryptophan acid found in turkey is responsible for making you feel that way. What tryptophan does is signal the brain to produce feelings of well-being by increasing serotonin levels, calmness, and happiness. 10. Oats. Oats promote serotonin flow too. Incorporate oats into your diet by adding them to shakes, yogurt, milk, or soups. वेलकम बैक. इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिली. अब होपफुली आप ये वाली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखेंगे जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी को भी ख़त्म करेगा और आपका जो वज़न भी है वो कम होगा और डेफिनेटली होगा, क्यों ना हो भाई. हमारे साथ डॉक्टर अदनान जो डिस्कस कर रहे थे, किसको डिस्कस कर रहे थे? बिल्कुल, वज़न कम. इन्वेस्टिगेशन आप इस वीडियो को देख के वज़न कम होगा. हाँ. लेकिन प्लीज़ वज़न को इतना कम नहीं करना, इतना कम नहीं करना कि एनोरेक्सिया नर्वोज़ा तक उसकी कंडीशन में आप पहुंचे. बहरहाल जी, वजन कम करने की बात हो रही थी, एनोरेक्सिया नर्वोज़ा की बात हो रही थी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र हो रहा था और उससे बचाव के लिए बता रहा था मैं आपको कि कौन-कौन से टेस्ट ब्लड टेस्ट करने चाहिए. तो उसी को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूं बात को कि बेसिक टेस्ट के बाद उसके बाद लूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो देखा जाता है. जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया फीमेल हार्मोन्स जो है वो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी एमेनोरिया करेंगे, इनफर्टिलिटी करेंगे, बड़ा कॉमन कॉज है एनोरेक्सिया नर्वोज़ा का. तो वी विल सी लूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि आप एनोरेक्सिया नर्वोज़ा का शिकार है तो LH लेवल क्या है. फीमेल्स में ये टेस्ट किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आप देखेंगे. इसके अलावा आप चूंकि कुछ ऐसे असरात भी हैं जो दिल पे भी जाते हैं या कॉम्प्लिकेशन टुवर्ड द हार्ट डिजीजेस, तो उसमें आप सीके देखते हैं, सीके क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम देखते हैं. और इसके अलावा क्रिएटिनिन काइनेज MB जो है वो ज्यादा अहमियत का आमिल है क्योंकि MB भी है, बाकी स्केलेटल मसल्स के अंदर भी सीके होता है, लेकिन जो सीके दिल के मसल्स के अंदर होता है सीके MB वो ज्यादा अहमियत का. अच्छा, मैं समझी अभी आप ट्रोपोनिन का जिक्र कर लेंगे. तो नहीं, MB का ज्यादा उसमें अहमियत का हामिल है. और इसके अलावा जो आखिरी जो बड़ा टेस्ट है इसके अंदर किया जाता है वो CAM20 के नाम से एक टेस्ट है. CAM20 के अंदर बहुत से टेस्ट आती हैं जिसमें आपके मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स चेक होते हैं और उससे जो रिलेटेड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर दिलनशीन जब मुतासर होते हैं आपका जिस्म तो इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस होते हैं, वही मैं जिक्र करना चाह रही थी. इंबैलेंस है दैट कुड हैव बीन लीथल एंड लाइफ थ्रेट. ये मैल न्यूट्रिशन की वजह से ये सारी चीजें आई हैं कि जब मैल न्यूट्रिशन, जब आप खाएंगे नहीं तो मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा, धर्म भरम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट. और जब इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम लेवल हो जाएगा तो फिर आपको पता है कि पोटेशियम लेवल जो है वो बॉडी में किस कदर अहम किरदार अदा करता है. इसका जो है हाइपोकलीमिया में जब जाता है बॉडी तो उसके बाद क्या क्या एरिथमियाज आ जाते हैं और क्या चीजें डेवलप करता है ह्यूमन बॉडी. तो मेरे ख्याल से रैप अप करते हैं इस टॉपिक के. डॉक्टर अदनान, लास्ट वर्ड्स अबाउट एनोरेक्सिया. बस एनोरेक्सिया के बारे में मैं यही बताना चाहूंगा, लास्ट वर्ड जो मैंने पहले भी बात की कि आप ये घबराना नहीं है. सिर्फ 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है कि जो 10 ईयर सर्वाइवल रेट की कॉम्प्लिकेशन का शिकार होती है, अदरवाइज 95% इट इज क्यूरेबल. और आखिरी चीज कि अगर खुदा ना खास्ता आप इसका शिकार हैं और फीमेल हैं तो अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, अपने इसकी फैमिली थेरेपी
थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू आप बहुत अच्छा इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन खुदा रहा किसी किस्म की दवाई इसमें ज़रूरत नहीं होती, कोई मेडिसिन इसके लिए नीडेड नहीं है। वही बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल आपने साइको फैमिली फिजिशियन थेरेपिस्ट एंड डाइटिशियन आपके पास होना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट। जी बिल्कुल, होपफुली कि आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिली होगी। डॉक्टर अदनान जो है वो, थैंक यू सो मच डॉक्टर अदनान, आप स्पोर्ट्स की भी ज़बरदस्त स्टैट्स लेकर आते हैं और हेल्थ के तो लाते ही लाते हैं एज बिकॉज यू आर MD, तो उसमें फिर वो चीज़ तो निकल नहीं सकती ना, वो कहते हैं ना खून से निकल नहीं सकती, स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा जिक्र करते चलें हम, जैसे कि आज एनोरेक्सिया की बात की, नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करूंगी, जैसे डॉक्टर अदनान ने कार्डिक एंजाइम्स का जिक्र किया, CK and CKMB, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके सामने कार्डियोलॉजिस्ट को ही ले आएँ। तो ज़रूर ज़रूर हमारे प्रोग्राम्स के साथ जुड़े रहिए, लिव योर लाइफ में जुड़े रहिए, और हमेशा की तरह फिनोमिनल लंच बॉक्सेस को मैं नहीं भूलूंगी, लंच बॉक्सेस को इंजॉय कीजिए और अपने घर वालों को भी खुश कीजिए लंच बॉक्सेस बनाकर, अपने बच्चों को, अपने मियाँ साहब को, और अगर आपके बहन भाई वगैरह और माँ बाप भी हैं उनको भी इस तरह के लंच बॉक्सेस दीजिए, तो क्या ही बात है। स्नैक टाइम्स में भी बना सकते हैं आप, बस करें, मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत ज़बरदस्त है, आप जो वीडियो देखेंगे आपको और मज़ा आएगा, ये क्लिप देखें, इंजॉय कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए स्टूडियो से, टिल नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लिव योर लाइफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमेशा की तरह जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Everybody shout it out. Let me sing along. Let's go.